यूपी पुलिस का पेपर देने गए अभ्यर्थियों के लिए विशेष सूचना। मेरा उन सभी से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से देखें कि और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि आपके साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी हुई है। देखिए ये है पेपर मुलायम सिंह, इनका रोल नंबर ये है 3271070286। इनका श्री पीपीएस कॉलेज एटा में एग्जाम हुआ था फर्स्ट मीटिंग में। इनका एडमिट कार्ड हम वीडियो के अंत में आपको दिखाएंगे। देखिए इनका पेपर जो आया है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। ऑप्शन देखिए, राप्ती, गंडक, शारदा, सरयू। जो भी ऑप्शन सही है गलत है वो एक अलग बात है। देखिए इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं, ये ऑप्शन है इसके। ऐसे इसी प्रकार ये पूरा पेपर है फर्स्ट मीटिंग का, 19 तारीख की फर्स्ट मीटिंग का, 19 जून की फर्स्ट मीटिंग का, श्री पीपीएस कॉलेज एटा का पेपर है ये पूरा, मुलायम सिंह अभ्यर्थी ने दिया है। देखिए पूरा पेपर है, एक एक क्वेश्चन आप अच्छी तरह से देख लो। हिंदी का पोर्शन है ये रीजनिंग का पोर्शन आ गया, ये मैथ का पोर्शन आ गया, पूरा का पूरा पेपर डिट्टो 150 के क्वेश्चन सेकंड पाली में, 19 जून की सेकंड पाली में फंसे हैं। देखिए पूरा पेपर दिखा रहे हैं हम आपको, लास्ट में 140 तक पहुंच गए हैं, हम 144 तक पहुंच गए। और ये देखिए 150वां क्वेश्चन, 148वां क्वेश्चन, देखिए ये सीरीज है 3, 15, 35, 63, 143, ये ऑप्शन है। 149वां क्वेश्चन है ZXBT, ये ऑप्शन है। और ये 150वां क्वेश्चन है, 19 जून की फर्स्ट मीटिंग का 150वां क्वेश्चन, श्री पीपीएस कॉलेज एटा का ये पेपर है। देखिए 150वां क्वेश्चन। अब इसके बाद ये 19 जून को सेकंड शिफ्ट में ऑल यूपी में कराया गया पेपर है। जो भी बच्चे 19 जून को सेकंड शिफ्ट में ऑल यूपी में किसी भी जगह पेपर दे के आए, वो अपने पेपर से मिलाने, ये सेम डिट्टो पेपर उनके पास होगा। अगर मेरा विश्वास नहीं कर रहे हैं तो पहले वो अपना पेपर देख लें, उसके बाद इस पेपर को देखें। ये झूमेश कुमार अभ्यर्थी हैं, इनका रोल नंबर ये है, ये श्री बाबू सिंह इंटर कॉलेज अलीगढ़ दे के आए इस पेपर को 19 जून की सेकंड शिफ्ट में। देखिए सेम टू सेम बिल्कुल जो 19 जून की फर्स्ट पाली में एटा में कराया गया है पेपर श्री पीपीएस कॉलेज में। देखिए सीरीज 94 परीक्षा पुस्तिका सीरीज 94 है, और यही सीरीज सेम टू सेम परीक्षा पुस्तिका सीरीज 94 सेकंड शिफ्ट की, 19 जून की सेकंड शिफ्ट की है ये। और ये अभ्यर्थी दे के आए बिल्कुल की बिल्कुल 150 की 150 डिट्टो क्वेश्चन फंस गए। देखिए इनका भी पहला क्वेश्चन सेम वही है जो 19 तारीख की फर्स्ट मीटिंग का श्री पीपीएस इंटर कॉलेज एटा का था। देखिए निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी पर बन जाती है। देखिए सेम टू सेम ऑप्शन है, एक एक क्वेश्चन, एक एक अक्षर, एक एक वर्ड बिल्कुल की बिल्कुल डिट्टो छाप दिया गया है। यानी कि योगी फॉर्मूला, जो नकल को रोकने का योगी फॉर्मूला 18 तारीख को सफल हो गया था, उसको 19 तारीख की इस प्रकार धज्जियां उड़ाई हैं कि अधिकारी और एजेंसियां दिमाग में ही नहीं आया कि इस प्रकार से भी पेपर आउट हो सकते हैं। देखिए किस प्रकार से उन्होंने एक नई ट्रिक निकाली है, पेपर आउट करने की सबसे बेहतरीन ट्रिक है ये। इस ट्रिक को कोई सोच भी नहीं सकता कि इस प्रकार से पेपर भी आउट हो सकते हैं। 18 तारीख को, 18 जून को सफलता ना मिलने के बाद 19 जून को एजेंसी या कॉलेज, हम दोनों में से किसी एक का नाम नहीं ले रहे हैं, दोनों की गलती हो सकती है, ये भी जांच के बाद अधिकारी हमारे जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही मालूम चलेगा कि आखिर में इसकी बड़ी गलती किसकी है। देखिए बिल्कुल की भाई डिट्टो वही पेपर उन्होंने 19 तारीख को करा के ऑल यूपी में शाम को जो पेपर हुआ है, वो पेपर फिक्स 10 से 12 के बाद 2.5 घंटे पेपर आउट हुआ है। और इस प्रकार 19 जून की सेकंड शिफ्ट में प्रेजेंट 3,85,000 अभ्यर्थियों ने ये पेपर दिया है,
जबकि 41,510 वेकेंसी निकाली है सरकार ने, यानी कि जो बच्चे 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट में पेपर दे के आए 385,000 में से ही 41,510 सेलेक्ट हो जाएंगे। आपने तो केवल पेपर में शामिल होकर 18 की फर्स्ट में, 18 की सेकंड में, 19 की फर्स्ट शिफ्ट में पेपर में शामिल होकर आपने तो केवल सरकार की फॉर्मेलिटियों को सहयोग प्रदान किया है, उनके साथ फॉर्मेलिटी में आपने भाग लिया है, यानी कि आपके जो मेहनत की है, 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं, सारी मेहनत आपकी बेकार है। देखिए ये लास्ट में क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का बिल्कुल डिट्टो है, जो अभी 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का था। ये सीरीज वाले तीनों क्वेश्चन सेम है, ये भी देखिए बिल्कुल की बिल्कुल एक एक अक्षर बिल्कुल डिट्टो है। तो भाइयों अगर आप इस चीज का विरोध नहीं करोगे तो जिंदगी भर आप मेहनत करते रहोगे, आपकी मेहनत दलालों के सामने, पेपर आउट करने वालों के सामने बिल्कुल भी आपकी मेहनत नाजायज रहेगी। आप हमेशा पढ़ रहे हो तो पढ़ते ही रह जाओगे, केवल पढ़ लिख कर आप अपना ज्ञान अर्जित कर सकते हो, इस प्रकार नौकरी नहीं पा सकते हो। सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखा आपने, धन्यवाद। इसे अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फ्रेंड है, सभी में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बात योगी जी तक पहुंच सके। धन्यवाद।